खबर छतरपुर से है, जहां फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां डॉक्टर सोनल ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत सामूहिक दवा का सेवन कराया जाएगा। ये कार्यक्रम 10 फरवरी से 22 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को दवा का सेवन उम्र के अनुसार कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर देवेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन की दवा गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों को छोड़कर बाकी सभी को दवा का सेवन कराया जाएगा। वहीं मलेरिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार पटेरिया ने बताया कि जिले के 19 लाख आबादी को दवा का सेवन कराया जाएगा, जिसमें सबसे पहले स्कूली छात्र छात्राओं को दवा खिलाई जाएगी। जो हमने बैठक बुलाई है ये फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बुलाई है। इसके फाइलेरिया उन्मूलन के लिए क्या है, हम अभियान चला रहे हैं 10 से लेकर 22 फरवरी तक। उसमें क्या कर रहे हैं, हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी दे रहे हैं, 3 दवाइयाँ जो कि क्या है, DEC है, एल्बेंडाजोल है और आइवरमेक्टिन है। आज ये फाइलेरिया के संबंध में एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें अपन छतरपुर जिले को 10 तारीख से 22 तारीख तक DEC, एल्बेंडाजोल एवं आइवरमेक्टिन दवा का सेवन कराया जाना है। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? इसका लक्ष्य जो हमारी टोटल आबादी है 21 लाख, उसमें से लगभग 19 लाख की आबादी को अपनी DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की दवा का सेवन समक्ष में कराएंगे। दवा का सेवन 2 साल से ऊपर के जितने भी लोग रहेंगे उन सभी को कराया जाएगा। सिर्फ गर्भवती महिलाएं और जो हॉस्पिटल में है पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हैं उनको छोड़ के सभी को ये दवाई खिलाई जाएगी। और जैसा मैडम ने बताया 3 तरह की दवाई खिलाई जाएंगी, DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन।